और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विधानसभा से जुड़ चुके हैं राजीव कमल। राजीव, क्या कुछ अभी नजारा विधानसभा के बाहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है कि विपक्ष किस तरीके से आज जो है कार्रवाई के दौरान जो है हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, वहां पर क्या कुछ अभी नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी का तो बात बता दे तो अंदर विधानसभा चल रहा है, लेकिन कुछ देर पहले बहुत एक तरीके से कह लें कि विधायकों के साथ जो भी मार्शल बुलाकर एसएसपी पद पे खुद पहुंचे हैं, डीएम पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष ने बाहर से एसएसपी को बुलाया, मार्शल से नहीं काम हो रहा था तो एसएसपी को आए, एसएसपी के साथ डीएम भी थे, काफी संख्या में आरएफ की टीम और पुलिस टीम, महिला टीम तुरंत सब अंदर पहुंची और फिर कहला विधायकों को बाहर घड़ी घड़ी से निकाला गया। उसमें माले विधायक सतीश दास भी कहला बाहर आए तो उनको चोट लगी हुई थी, बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, एम्बुलेंस वैन आई थी, एम्बुलेंस वैन यहाँ से लेके जाती है। राजीव, पत्रकारों को भी बुरी तरीके से पीटा गया, आप तस्वीरों में साफ देख सकते किस तरीके से वो सीढ़ियों पर गिरे हुए थे, तो क्या कुछ वहां पर पुलिस प्रशासन और लोगों के बीच और पत्रकारों के बीच जो भिड़ंत हुई है, क्योंकि इतिहास का काला दिन है, विधानसभा में इस तरीके से अगर कार्यवाही होती है तो इसमें गरिमा को भंगित किया जा रहा है और इस तरीके से सामने सब कुछ देखने को मिल रहा है, पत्रकारों को मारा जा रहा है, विधायकों के साथ बदसलूकी हुई है और जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर डीएम और एसएसपी भी मौजूद है, तो क्या कुछ वहां पर उनकी तरफ से कहा गया है? राजीव, देखिए उनके तरफ से कुछ भी बयान देने के, लेकिन वो अंदर गए हैं, अंदर जाके सिचुएशन जो विधायक जो चेंबर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बिल को लेकर पुलिस सशस्त्र अधिनियम जो बिल जो पेश कर दी है बिल के अंदर, उसी को लेकर ये पास नहीं होने देना चाहते, लेकिन सत्ता पक्ष चाहती है कि ये पास हो जाए, ये आज ही पास करा ले विधानसभा से, जो कल विधान परिषद में इसको। राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए।